इस हफ्ते 3 बारी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम रेस्क्यू करने गए किसी और को और लेके आए किसी और को। नगरोटा से हमें काले बैल के बारे में फोन आया, वो तो हमें मिला नहीं, उसकी जगह हम एक और गाय को लेके आए, लेकिन अच्छा है वो बैल हमें मिला नहीं। और इस रेस्क्यू के बाद हम आपको बताएंगे क्यों। हाँ, वो काले वाली छोटी वाली बैठी है, वो वाली। तीन हफ्ते तो मेरे को हो गए देखते हुए ना, फिर इसको लगाई थी दवाई हमने हल्दी और वो फिर भी ठीक नहीं हुआ सर। पंजीरी दूसरी बार आ रही है हमारे पास। पहले हूफ की एक प्रॉब्लम के लिए आई थी, उसका हूफ आई थिंक बड़ा हो गया था, ग्रो हो गया था, लंबा बोंड भी था उसको, तब आई थी और अब काफ़ी टाइम के बाद वापस आई है। फ्रंट लेग में जो उसका हूफ है वो काफ़ी बढ़ गया है और मैगट बोंड भी है वहाँ पे। और दूसरा इसकी ये टेल इंजरी है कि हमें टेल एम्पुटेशन करनी पड़ेगी और फिलहाल के लिए इसको पेन किलर और एंटीबायोटिक्स हमने इसके स्टार्ट कर दिए हैं। तो काला भूरा बैल जिसकी गर्दन में चोट थी अगले दिन लोगों ने बांध के रखा और जब हम उसको लेने गए तो साथ ही में हमें मिला एक वो बैल जिसको रिलीज करने पे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। आप पहचानते हैं कि ये कौन है? कहाँ थे भैया? उसकी हमने वो सर्जरी नहीं करी थी आँख की, रिलीज कर लिया। पर रोबिन जी कहते हैं कि यार एक आँख नहीं है तो उसको अपने वहीं परमानेंट काउंसलर में रखेंगे। अब तो अंदर नहीं है, कल वेटनरी वाले बुलाए थे हमने ना, यहाँ पे टच भी नहीं किया इसको। हम बोलते थे थोड़ा साफ सूफ कर दो, माड़ा मोटा इसको फर्क पड़ जाएगा। कुछ स्प्रे लेके आए हैं, उसको स्प्रे किया सारा। मैगट मून तो है इसके गर्दन पे, पर इसको वॉच के इशू भी है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम रख सकते हैं बाकी में, ताकि कुछ इन्फेक्शन अगर हो, अगर वो फ्लरिश कर रहा है तो वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। हमारे रेगुलर व्यूअर्स ने तो गेस कर लिया होगा ये कौन है। मैं बाकियों को बता दूं, इसका नाम एकांत है। ये हमारे आया था क्योंकि इसकी एक आँख खराब हो गई थी, इसका इलाज करके हमने इसको रिलीज कर दिया था, पर बड़ा बुरा लग रहा था कि भाई एक आँख वाला बैल सड़क पर रहेगा कैसे। तो उसके कुछ दिन बाद हमारी सैंक्चुरी तैयार हो गई और अब हम इसको ढूंढ के ले आए हैं। अभी दो और जानवर यहाँ पे आने हैं पर उनका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। अच्छा भाई, पानी आ गया ना, चिंगारी कर लेते। इसका भी वाटर थेरेपी शुरू किया हमने ताकि जो इसके स्वेलिंग है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो, उससे भी इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, तो काफी टाइम लग जाएगा ठीक होने में। जिंगी 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 जिंगी। घटिया लड़की, कल तो इसकी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी ना, आपने कहा था कि पट्टी की वजह से थोड़ा मॉइस्चर आ रहा था ना, तो जैसे हम क्लीन करते हैं तो अच्छे से साफ हो जाता है। अब ब्लीडिंग भी काफ़ी कम है, ब्लीडिंग जैसे पहले ये स्क्रैच करके भी ब्लीडिंग काफ़ी करता था, अब तो ब्लीडिंग नहीं देखने को मिल रही है हमको। 3-4 ये जो सर इस तरह से हिलाता रहता है कि एकदम डांस कर रहा है, वो इरिटेशन की वजह से है। हाँ जी, इसके 2 ट्रीटमेंट हो गए हैं सर। हाँ जी, आज 3rd शॉट है। फर्स्ट हमने लीजन में दिया था, लीजन मतलब ट्यूमर के अंदर, सेकंड हमने आईवी दिया था, 3rd भी आईवी देंगे। अब तो इसका पता लगता है कि ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, अब डाइवर्जन आ गया क्योंकि हाँ चिपक गई थी दोनों। करेक्ट, तो अभी दोनों आईलेट्स अग्री कर रहे हैं। एंड अगेन मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमारी अडॉप्शन अपील जो इतनी शेयर करी, हमारे 5 एनिमल्स अडॉप्ट होके दिल्ली गए। रखो, हे सुजुकर, कौन? जल्दी। मेरा बेटा चुनमुन डोडो उस तरफ पपी है छोटा वाला। हाँ, दो ललन को मैं बाहर से ले लेती हूँ। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि टोफू कैसी है। टोफू के लम्ब्स तो ठीक नहीं हुए हैं लेकिन इसकी एपेटाइट बरकरार है। हाँ, नैनो वूली के लम्ब्स जो हैं अब जा रहे हैं, हम इनको लिवर सपोर्ट टॉनिक्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, पेन किलर्स दे रहे हैं और साथ में गिलोय के पत्ते और मल्टी विटामिन भी।
खैर और भी कुछ जानवर हैं जो यहाँ से ठीक होके रिलीज हुए हैं, कुछ मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रिकवरी पे हैं। इसको जाने की पड़ी हुई है, पता है? इतने दिन ना ऐसे चुपचाप बैठी रही है। हाँ, बच्चे हैं उधर। नहीं, आपको देख के इतने दिन इसने इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई हमें। कैंडी हमारे पास टीवीटी के लिए आई थी, यहाँ पे आके उसकी कीमोथेरेपी चली और अब वो पूरी तरह से ठीक है। हम इसका स्प्रे करके इसको भेज रहे हैं ना, ताकि आगे और बच्चे। अबू तू तो बड़ी जल्दी हील हो रहा है, जल्दी जाने वाला है तू, जल्दी जाने वाला है तू। गौरव फंस आ रही है। पहले तो अच्छा बच्चा है तू, हैं? तू मुंह तो ऊपर को तूने कर लिया। अच्छा भाई, अच्छा छोड़ देंगे अंदर को, बस दो मिनट जा। ऐसे कौन बैठते हैं? इसके स्क्रॉटम से ना पस आ रही थी, गीला रहने की वजह से हो सकता है या लीक करने की वजह से हो सकता है, तो अब हम इसकी डेली क्लीनिंग करेंगे। ओए रुक जा, ऐसी कोई गंदी बात नहीं। ठीक है, ऐसे ठीक है, चल चल ऐसे भी ले ले, ठीक है। देख ऐसे बॉस भाई साहब, ठीक है, ट्रीटमेंट के नाम पे थोड़ा चल चाहिए, डरते हैं ऐसे करता है, डर लगता है। हेलो करो। वायर ट्रैक की वजह से यहाँ पे स्पाइन में इसके थोड़ा सा इशू आ गया है, गैप पड़ गया है और हार्डनिंग हो रखी है, जिसकी वजह से इसका ये जो इंग्वाइनल रीजन है और जो प्रिप्यूशियल रीजन है वो डिसेंसिटाइज हो रखा है, और ये नहीं कह सकते कि पैरालाइज हो रखा है। उसकी वजह से इसका जो पीनस है वो हर टाइम बाहर रहता है, इस पार्ट के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इसके नर्व्स के इंजेक्शन हमने लगा रखे हैं, एंटीबायोटिक हमारा चला हुआ है, हम इसके लुब्रिकेशन भी कर रहे हैं ताकि और कोई डैमेज ना हो। नरीज को स्किन प्रॉब्लम हुई थी तो उसको हम यहाँ पे लेके आए थे रेस्क्यू करके, 2 महीने उसका लगातार ट्रीटमेंट चला, फिर वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद 7-8 महीने भी हमने अपने पास रखा पर फिर भी अडॉप्ट नहीं हुई, तो इसको वहीं पे जहाँ से हमने रेस्क्यू किया था वहीं पे अभी रिलीज करना पड़ रहा है। बाय नरगिस। रिलीजेस के बारे में तो हमारी खट्टी मीठी फीलिंग ही रहती है, पर नरगिस के बारे में मैं खास करके हार्ट ब्रोकन हूँ, क्योंकि बहुत समय लगा के हमने उसको बहुत ख़राब हालत से ठीक किया था, बहुत समय तक हम उसके लिए घर भी खोजते रहे और ना मिलने पे फिर हमें उसको रिलीज़ करना पड़ा। खैर इस हफ्ते हमने 3 और रेस्क्यूज कर रहे हैं, 2 को हम लेने गए थे, 1 को हम एक्स्ट्रा लेके आए, पर इन 3 में से सिर्फ हम 1 को ही बचा पाए। हम जब बुल रेस्क्यू के लिए गए वहाँ पे हमें वो बुल नहीं मिला, हमने आधा घंटा 1 घंटा सर्च किया, बैल नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, बोल रहे कि मतलब कल तो था और चलते आज तो कहीं भाग गया। बट वहाँ लोकल्स ने बताया था कि रिसेंटली एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने टिकट हुए लगाए पट्टी की, बस बाकी बस सेवा हम कर रहे थे। डॉक्टर हिमांशु ने जब उसकी कंडीशन देखी तो सर ने बोला कि अगर बुल नहीं मिल रहा तो हम इस गाय को तो लेके चलते हैं, फिर हम आगे निकल के हमें डॉग को रेस्क्यू करना था। कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है, गिर पड़ा था यहाँ नीचे ना, टाले वाली टक्कर मार गया इसको, इसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लग गई। कोई कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है? 7-8 दिन हो गए गाड़ी वाला मार के गए। अगर ये पेन में होगा तो अगर करेगा ये, तो स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ, स्पाइनल फ्रैक्चर की वजह से उसकी सेंसेशन पिछली टांगों में चली गई, वो उस पर वेट नहीं ले पा रहा था, फिर ओनर से कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसी कंडीशन पे हम यूथनेजिया ही रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसने बोला कि आपको जैसे फील करता है वैसे कर लो, क्योंकि वो सुसु पॉटी भी खुद से नहीं कर पा रहा था, उसको हमें दबा के करवाना पड़ रहा था, तो इसलिए हमने उसको पुट डाउन कर दिया। एक्सीडेंट में गाय थी उसको हमें उठाना था, तो जैसे हम उठा रहे थे तभी हमें वो जो बुल था वो भी मिल गया, उसी जगह पे वो रोड क्रॉस कर रहा था, रोड के साइड में बैठा हुआ था। शांत है एकदम, फटे घटे इंजरी हुई कैसे है ये तो नहीं बता सकते, नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, नहीं निकाल रहा हूँ। इसका मसल टीयर है, मसल टीयर की वजह से स्वेलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है,
इसकी मेडिकेशन तो हमने स्टार्ट कर दी है। उस गाय को अगली टांग में फ्रैक्चर थे, हड्डी बाहर थी, पूरे मैगट से भरी हुई थी वो, प्लस उसकी बॉडी पे बहुत जगह पे मैगट वुंड्स थे, और प्लस वो एक साइड पड़े पड़े उसको लागे भी लग गए हुए थे एक साइड पे पूरे, तो उठ तो बिल्कुल भी नहीं पा रही थी, और कोई उसको खाना खिलाने वाला था ना पानी देना, तो हम उसको ले आए अपने साथ ही। हमने उसका सब क्लीनिंग वगैरह की, ड्रेसिंग जो भी की, एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाए, पर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि वो कंट्रोल नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हमारे पास बहुत बार ऐसे जानवर आते हैं जिनका डायग्नोसिस यही होता है कि ये अब बच नहीं सकते, उनके लिए हम पेन मैनेजमेंट तो करते हैं पर क्लिनिक उनके लिए कोई जगह नहीं है। US में मैंने एक हॉस्पिस का कॉन्सेप्ट देखा था जहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके पास जीने के लिए अब 3 या 6 महीने बचे होते हैं, वहाँ पे उनकी पेन मैनेजमेंट होती है और केयर की जाती है। तो मैं भी एक बार हमारा अस्पताल सेटअप हो जाता है, हमारी सैंक्चुरी सेटअप हो जाती है जानवरों के लिए, कुछ ऐसा करना चाहूँगा।